दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि अयोध्या की सदियों की धारा में जल्द ही कैटमरान इलेक्ट्रिक जलयान दौड़ेगा। दोस्तों वो समय अब आ गया है जब आपको सरयू की लहरों पर एक बड़ा कैटमरान जलयान दौड़ता हुआ दिखाई देगा। दरअसल इस जलयान को 17 जनवरी तक ही अयोध्या पहुंच जाना था, लेकिन कोलकाता के सागर आइलैंड से 7 जनवरी को निकला कैटमरान इलेक्ट्रिक जलयान अब तक अयोध्या नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह है कि ये जलयान घाघरा नदी में कई स्थानों पर पीपा पुल खोलने, कोहरे के कारण दिशा भ्रम और कई स्थानों पर पानी का जलस्तर कम होने के कारण ये भारी भरकम जलयान जगह जगह फंस जा रहा है। ऐसे में जलयान को अभी 2-3 दिन अयोध्या पहुंचने में और लग सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कोलकाता के सागर आइलैंड से 7 जनवरी को निकला कैटमरान इलेक्ट्रिक जलयान कई बाधाओं को पार करता हुआ अयोध्या आ रहा है। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कोलकाता से अयोध्या तक घाघरा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 40 घोषित किया है। दरअसल ये जलयान सोमवार को बस्ती जिले के कटरिया चांदपुर तटबंध के पास बने ठोकर नंबर 1 के पास पानी कम होने की वजह से फंस गया। मंगलवार की सुबह से ही फंसे जलयान को निकालने के लिए जलयान के कर्मचारी लगे हुए थे। दोपहर करीब 12 बजे जलयान निकल गया, लेकिन 400 मीटर आगे जाने पर एक बार फिर फंस गया। लेकिन फिर भी 2-3 दिन में इस जलयान के अयोध्या पहुंच जाने का अनुमान लगाया जा रहा है।